देर मैंने एक लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें आपको दिया था शेरोले बीट के बारे में, जिसमें विनोद जी हमारे साथ थे। अब इस वीडियो में दोस्तों फर्क इतना है कि विनोद जी बगल में आ गए हैं और उनके बगल में मैं हूँ। तो अब दोस्तों मैं गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस टाइम शेरोले बीट में है, मैंने गाड़ी न्यूट्रल कर ली है। फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में 3 सिलेंडर की गाड़ी 1000 cc में, जो अंडर 1000 है, चलाने जा रहा हूँ। विनोद जी ने इतनी तारीफ़ कर दी है कि मुझे लग रहा है कि शायद अब मैं BMW या मर्सिडीज़ पे बैठ गया हूँ, जिस तरह का उन्होंने पिकअप का मुझको एहसास कराया है। तो देखते हैं, स्टार्टिंग तो दोस्तों बिल्कुल आज भी बढ़िया है। और ये मैंने लगा दिया फर्स्ट गियर, बहुत लाइट है और पिकअप वाइज भी बहुत अच्छा गाड़ी ने पिकअप किया है, लेकिन ज़्यादा दूर चल नहीं सके। 400 लाइट आ गई। विनोद जी होते हैं तो अपना निकाल लेते हैं, लेकिन इतनी दूर में तो ये एहसास हो गया दोस्तों गाड़ी, नो डाउट कि गाड़ी मैंने छोड़ दी है। स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, थोड़ी है, लेकिन अब आप भी जान रहे हैं 7 ईयर्स की गाड़ी हो चुकी है, अप टू 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो जाहिर है थोड़ा बहुत तो क्या अच्छा खासा फ़र्क आ गया है इंजन में, लेकिन फिर भी गाड़ी चलने में कोई कमी नहीं है। अब मैं आगे थोड़ा चलाता हूँ, रेड लाइट ओपन होने वाली है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओपन हो गई है। जैसे दोस्तों स्विफ्ट मारुति में, जैसे स्विफ्ट वगैरह मैंने चलाई थी, उसमें जो फील थी गाड़ी जैसे लाइट चल रही थी, सेम वैसे ही फीलिंग आ रही है। और बस फर्क ये है कि ये 3 सिलेंडर है और माइलेज वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है। तो बाकी पेमेंट कब देंगे? इसमें भी सेम एक फीचर जो कि टर्बो इंजन में होता है कि एक्सीलेटर छोड़ दीजिए, गाड़ी अगर सेकेंड पे लगी है तो गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। सेम वही चीज़ है, एक्सीलेट मैं नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी अपने आप लेके चल रही है। अभी रेड लाइट से बाहर निकले हैं तो ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है, वाली भी दे देंगे। अब थोड़ा सा रोड सही मिल रही है, फ्लाईओवर आ गया है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा लग रहा है 3 सिलेंडर गाड़ी, क्योंकि चढ़ाई अच्छा है, लेकिन बस सिर्फ 2 सेकेंड के लिए। उसके बाद एक जगह किराया भाड़ा लगा के हमने पहुंचा दिया है, तो चेंज वेंज क्या करना है मैम, इसका पेमेंट करा दीजिए नेक्स्ट टाइम। बड़ी इतनी दूर चलाने के बाद दोस्तों ये एक समझ में आ गया कि गाड़ी चलने में बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, अगर आप फील चाहते हैं, जो कि मतलब गाड़ी चलाने में लोगों को होता है कि गाड़ी एकदम लगना चाहिए, तो शायद उस चीज़ की थोड़ी कमी है। और लेकिन ये कि कितना फील करें इस मंदी के दौर में, तो एक गाड़ी में माइलेज भी चाहिए। अगर ऐसी गाड़ी है तो आप जाहिर है उसको 100% हर टाइम यूज़ कर सकते हैं, जितना भी आपका यूसेज है। चलिए ठीक है, लेकिन पहुँचा दो मेरे पास जो पेमेंट लिया। अगर आप बड़ी गाड़ी लेते हैं, i20 हो गई, उस सब में इतना माइलेज आपको मिलेगा। सिटी में आपको वही 30-40, अगर फीगो है तो थोड़ा 15-16 हो जाएगी। अभी होगा, लेकिन ये गाड़ी जैसे विनोद जी ने आपको बताया था लास्ट वीडियो आप देखिएगा, कि 20+ में ही रहती है। तो थोड़ा सा फीलिंग इधर उधर कर दिया जाए उसके बाद तो गाड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो आपके ऊपर इकोनॉमिकल आपके पॉकेट पे इतना ज़्यादा लोड नहीं डालती है। आप इस गाड़ी को एकदम फ्री होके आप अपने ज़्यादातर यूज़ में कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाए ऐसी जगह जाके। जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए इंजन हैवी है, माइलेज कम है, तो बहुत सी जगह मतलब जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग में लग जाते हैं। ये सब गाड़ियों में आपको ये चीज़ नहीं सोचना है, क्योंकि आप अगर रॉयल इनफील्ड या स्पोर्ट्स बाइक भी चलाते हैं तो जिस खर्च में वो चल रही है, मान के चलिए कि इस उतने ही खर्च में आप इस गाड़ी को चला सकते हैं। बाकी मेंटेनेंस का विनोद जी ने बताया कि 7 साल से ज़्यादा हो रहे हैं उनके पास इस गाड़ी को, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और मैं भी चला रहा हूँ, मुझको भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है गाड़ी में, गाड़ी एकदम बढ़िया है, गाड़ी एकदम
स्मूथ चल रही है, जो कि कार में चाहिए कि जो भी ड्राइवर है उसको बार बार गाड़ी को उठाने में और प्रेशर ना। थोड़ी टर्निंग थी, इस टाइम ट्रैफिक भी है। ऐसी कंडीशन में आप अगर इस टाइप की गाड़ी में है तो आपको ये नहीं सोचना है कि गाड़ी इतनी देर से खड़ी है माइलेज क्या देगी क्या नहीं देगी, मतलब इन सब कंडीशन में चल के भी ये गाड़ी 20 प्लस में जा रही है तो और क्या चाहिए आज के दौर में। अगर ऐसी गाड़ी है आपके पास जिसमें आपको ट्रैफिक में इतना नहीं सोचना है, या जैसे मैंने बताया कि बिजनेस में है, पहले काम पकड़ने की टेंशन, पहले 10 बार दौड़िए, फिर उसके बाद काम कराइए, फिर पेमेंट के लिए दौड़िए, और उसके बाद पेमेंट होगी तो उसमें भी जाहिर है कुछ ना कुछ काट दिया जाएगा। तो उन सब कंडीशन में अगर आप किसी भी व्हीकल से जाते हैं, अगर कार से जाते हैं, अब आप कॉस्टिंग निकालिए, तो ऐसी कंडीशन में ये सब गाड़ियाँ कम से कम ये तो हैं कि आपके किसी बड़े काम के बचे हुए डीजल से ही काम करवा देंगे। विनोद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप कहीं लॉन्ग रूट पे गए तो 300 किलोमीटर और जो माइलेज जो आप अदर गाड़ियों से कंपेयर कीजिए और आपको डीजल बच रहा है, आप उतने डीजल से आप अपने कुछ ऐसे कई काम कई बार कर लेंगे। तो इकोनॉमिकली सोचिए, अगर ये सारी चीज़ देख के आप करेंगे तो गाड़ी बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद आई। और मैं भी सोच रहा हूँ पेमेंट वेमेंट जब कई काम करने के बाद विनोद जी से लेके पेमेंट वसूलने काम में इसी से लग जाऊँ, ताकि कम से कम जब कोई अगली तारीख दे तो सोचना ना पड़े कि यार 700-800 रुपए का डीजल लगा के आया हूँ, तो कह रहा है कल आ जाना परसों आ जाना। ये विनोद जी ऐसा होता है, सही बात है। अगर देखते हैं उन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग बाइक से चलते हैं कि यार पता नहीं दे ना दे, 500-600 का डीजल लग जाएगा, चलो 200-250 के पेट्रोल में बाइक से चला जाए, वो भी स्प्लेंडर से चलें, बुलेट नहीं निकालेंगे, नहीं बराबर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप सर्विस में हैं तो आपको इन सब चीज़ों का एहसास है ही नहीं, दुख दर्दों का। अगर गवर्नमेंट जॉब में, अगर प्राइवेट में है तो थोड़ा बहुत, अगर अपने बिजनेस में है तो फिर तो आप डायरेक्ट फ्रंट लाइन हैं, फिर तो आप समझ ही रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं। उस कंडीशन में एज अ बिजनेस मैन, अगर आप नए बिजनेस में खास कर रहे हैं और आपको बहुत मेहनत करनी कुछ सालों तक, तो ऐसी गाड़ी अगर आपको मिल रही है 1-1.5 लाख, 1.5 लाख, तो आप फौरन ले लीजिए। और आपको जब तक आप 3-5 साल तक बिजनेस अपना डेवलप करेंगे, ये गाड़ी आपकी मजबूत साथी बनी रहेगी, परेशान नहीं करेगी जरा से भी। 7 साल में कभी कुछ ऐसा परेशान किया नहीं, कभी बीच रोड पे धोखा दिया नहीं, क्योंकि ये गाड़ी बताया केदारनाथ बद्रीनाथ जा चुकी है, 7 साल से ऊपर की गाड़ी है, तो अब इससे ज़्यादा आप क्या और इसका एग्जामिनेशन क्या टेस्ट लेंगे। गाड़ी हर तरीके से अपने आप को 100% प्रूफ कर रही है और उम्मीद है आगे भी करती रहेगी, जब तक कि विनोद जी अब सफारी या फॉर्च्यूनर आजकल बहुत देख रहे हैं। लेकिन विनोद जी फॉर्च्यूनर कैसे चलाएंगे आप 6-7 किलोमीटर 1 लीटर में, और आपकी आदत पड़ी है 20-22। उसको कभी कभी इसको बेचेंगे नहीं, तभी आपका कहना है कि हम इस गाड़ी को नहीं बेचेंगे, इस गाड़ी को कभी नहीं बेचेंगे। बात सही है, जैसे आज ही हम लोग गए, माल पहुंचाया, पेमेंट कल आइएगा, कल दोबारा जाना पड़ेगा ना भाई, दोबारा जाने का मतलब कि फिर 250-300 का 400 का, कम से कम ये गाड़ी उतने में ही 2 बार चली जाएगी, उतने में ही 2 बार चली जाएगी, बस टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन ये तो ना रहेगा कि इतना करके गए और मिला कुछ नहीं। तो ठीक है दोस्तों, पूरा चक्कर लगाएंगे घुमा दें, तो ठीक है दोस्तों, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हम लोग, और आपको जो है गाड़ी का मैंने रिव्यू भी दे दिया है। उम्मीद है अगर आपको इस तरह की गाड़ी मिलेगी तो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, खासकर अपने उन दिनों के लिए जब आप बिज़नेस को ग्रो कर रहे हो। तो ठीक है दोस्तों, शेवरोले बीट का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और उम्मीद है आपको कभी गाड़ी मिले तो चला के टेस्ट कीजिएगा, पसंद आएगा। और दोस्तों 2 वीडियो हो गए शेवरोले बीट के, एक बार रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, जब मौका मिलता है कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, पर उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो प्लीज़ थोड़ा हेल्प कीजिए मेरी। ओके बाय।